हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। भैया आज ग्रुप थ्योरी होगा और ये बिगिनिंग है। और ये समझ लीजिए कि पहला सेमेस्टर में जो ग्रुप थ्योरी आप पढ़ेंगे उसी से आपके बाकी सेमेस्टर्स ब्यूटीफाई होने वाले हैं। आपका रियल एनालिसिस आगे और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा सबको ये ब्यूटीफाई कर देगा। आपको इसको छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ भाई, अब तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत पॉलीनोमियल्स किया, थोड़ा बहुत फंक्शंस किया, वन वन ऑर्डर फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं 12th क्लास तक आपने पढ़ी हुई हैं। पॉलीनोमियल्स का आइडिया था आपको, हायर डिग्री का नहीं था लेकिन सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री का फिर भी था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जेड, REI, थीटा, पोलर फॉर्म वगैरह सब काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें पता थी आपको। ऐसे फंक्शंस में वन वन ऑन टू स्कूल लेवल पे भी होते हैं, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है ये ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो बेटा आपको केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होना है। आगे की ग्रेजुएशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शुरू होने वाली है, सबसे ज़रूरी। लेट अस स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। क्या करेंगे बेटा, सभी स्टूडेंट सामने देखें। सबसे पहले ये नंबर सिस्टम जो आपको बताया था, NZQRC, दैट शुड बी क्लियर। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और साइज भी आपको बताया गया। N इज कंटेन इन, Z इज कंटेन इन, Q इज कंटेन इन, R इज कंटेन इन। नेक्स्ट, अब ग्रुप में क्या करना है ज़रा देखिए ध्यान से। इसमें पूरा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ो। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एंड आर बी एनी ऑपरेशन। जी कॉमा स्टार इज, ये STB का मतलब सेट टू बी, सेट टू बी अ ग्रुप इफ एंड ओनली द फॉलोइंग होल्ड्स। तो फॉलोइंग में क्या क्या है भाई, चार एग्जाम्स होती हैं, चार ग्रुप एग्जाम्स हैं और वो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए पहला, सबसे पहला क्लोजर, सेकेंड है आपका एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड द लास्ट वन। भाई ये तो मतलब आपको साथ साथ लिख रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन देखने लायक चीज़ है। व्हाट डू मीन बाय क्लोजर एवरीवन? देखो भाई, ये क्या है, ऐसे उपन्यास की तरह, नॉवल की तरह नहीं करिएगा कि रात को पढ़ा सवेरे भूल गए, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी वही रिपीट करूँगा, इस एक पेपर की वजह से आपका पूरा ग्रेजुएशन ब्यूटीफाई हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत है राइट टाइम पे सही चीज़ करने की, सही समय पे सही चीज़ करनी। भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाँ हाँ सर बहुत आसान था, 12th क्लास में पढ़ाई था, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, मज़ा आ गया। पॉलीनोमियल्स में भी वैसे ही, फंक्शन में वैसे ही, लेकिन ग्रुप थ्री में वैसे नहीं है। आपने पहले नहीं किया, प्लीज़ बी केयरफुल। आइए जरा, ये जी है और ये स्टार है। पहले तो ये समझ लो आप सभी लोग कि जी क्या चीज़ है और स्टार क्या चीज़ है। भाई जी इज़ एनी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट और स्टार इज़ एनी ऑपरेशन। हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है जो वेल नोन ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डॉट डिवीजन, इसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए स्टार की जगह प्लस है, स्टार की जगह प्लस है तो जी विद रिस्पेक्ट टू प्लस हो जाएगी, स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन है, जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जी के प्लेस में रियल नंबर है तो आर प्लस हो, समझ रहे हैं, जी के प्लेस में रियल है तो आर डॉट हो जाएगा। तो ये कम से कम ये ओपन रखे। इस अलजेब्रा का नाम अलजेब्रा नहीं है, इस अलजेब्रा का नाम मॉडर्न अलजेब्रा है। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए सिंबल्स, नए सिंबल्स। स्टार क्या है, कुछ भी हो सकता है, ओपन रहे।
ओके नेक्स्ट। हाँ जी, मैं क्लोजर एसोसिएटिव पे थोड़ा लाइट थ्रो करना चाहूँगा भाई। क्लोजर क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं अगर ए बी जी में देन दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी जी में होगा। एंड व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? इट सेज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स ए स्टार बी स्टार सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू बी सच दैट ए स्टार ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। एन इनवर्स फॉर एनी ए बिलोंग्स टू दी देयर एग्जिस्ट उसका इनवर्स। ये तो आपने कहीं ना कहीं कॉलेज में भी किया ही होगा, जरा साथ है ये। एंड प्लीज गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ हो ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, यहाँ आपने ए लिया बेटा जी, इधर बी लिया, स्टार के रिस्पेक्ट में ए स्टार भी बनेगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर मैंने प्रोडक्ट के साथ लिया। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए ए का वैल्यू लिया बेटा आपने √2, और बी का वैल्यू भी लिया आपने √2। कैन यू प्लीज टेल मी, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज ए डॉट बी? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? तो वो तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए कह रहा था ज़्यादा खुश मत होइए कि ए है बी है तो ए स्टार बी। मुफ्त में कुछ नहीं, नथिंग कम्स फॉर फ्री। प्लीज आपके सामने एग्जाम्पल है, तो दिस देर इज अ सिचुएशन, देर इज एन एग्जाम्पल इन विच ए और बी तो सेट में है लेकिन उनका जो आपका ऑपरेशन है वो सेट में नहीं है। एम आई राइट? तो इसका रिस्पेक्ट करिए। क्या क्या लिखा है? क्लोजर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, CLOS। जी, एज लॉन्ग एज द डोर इज क्लोज, एज लॉन्ग एज द रूम इज क्लोज, नो बडी कैन गो आउट। तो क्लोजर को क्लोजनेस समझिए। वो कह रहे हैं ये इस ऑपरेशन के साथ साथ क्लोज होना चाहिए, मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ए भी अगर जी में है तो जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप वो भी जी में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो आप कहते हैं क्लोजर सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट लुक एट एसोसिएटिव लॉ। देखिए अगेन, केयरलेसनेस तो रहती है, सब में रहती है। देखो भाई, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, बच्चा कहेगा सर तो नहीं। देखिए यहाँ आपने ए बी को कंबाइन किया, यहाँ आपने बी सी को कंबाइन किया, एंड माइंड यू वन थिंग, आपने राइटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया। राइटिंग ऑर्डर ए बी सी इज ए बी सी, ग्रुप थ्योरी में राइटिंग ऑर्डर चेंज करना एक महा अपराध है। क्या कर सकते हैं? एसोसिएटिव लॉ आपको इतना तो कह रहा है कि भाई ये कर लो आप, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी ए मान लीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए। सोने की जरूरत नहीं है, डांट पड़ेगी ना, बैठ नहीं पाओगे। ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ये कर दिया देखिए भाई, दिस इज नॉट अलाउड इन ग्रुप थ्योरी। राइटिंग पोजिशन चेंज करना अलाउड नहीं है। ए बी सी डी को ए बी सी डी ही लिखना है। आप ब्रेसिस के थ्रू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, बट राइटिंग पोजिशन चेंज नहीं कर सकते। तो पहला एग्जाम है क्लोजर, सेकेंड एग्जाम है आपका एसोसिएटिव लॉ नंबर 3 एंड नंबर 4। तीसरे और चौथे एग्जाम को हम रिलेट करेंगे जो आपने स्कूल में मेट्रिसेस पढ़ा है। मेट्रिसेस याद कीजिए, मान लीजिए दिस इज सेट ऑफ मेट्रिसेस, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कोई मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 ले लेते हैं, 100 010 001। ज़रा 12th क्लास याद करके बताइए, एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, और आई डॉट ए, फाइनल आंसर क्या आता था? ए आता था, ए आता था, तो यहाँ भी वही होगा। सो ग्रुप थ्योरी में एक बहुत स्पेशल एलिमेंट है और उसका नाम है ई। ई ई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो वो ऐसा है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, सेम। सो इसको अगर आपके पास डिफरेंट कलर का पेन है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन जनरल हम ई से नोट करेंगे आइडेंटिटी, ठीक है? बाकी तो वही है, ए स्टार इज ई स्टार इज ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। लास्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। जरा वही 12th क्लास पे आइए, अगर ए के लिए उसका इनवर्स साथ में लिखा है तो क्या 12th क्लास में ऐसा होता था? सो मैट्रिक्स अलोंग विद इनवर्स गिव्स आइडेंटिटी।
एलिमेंट अलोंग विद इनवर्स क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। तो ये चार एग्जाम्स हैं। अब सुनो क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से सुनिए एवरीवन। एक कोई भी सेट ले लीजिए, एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कोर्स, एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो काम क्या करेंगे। और ये एनी ऑपरेशन, अगर ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, जी वन है, जी टू है, जी थ्री है, जी फोर है। सपोज यू हैव जी वन, यू हैव जी टू, यू हैव जी थ्री, लेकिन जी फोर नहीं हो पा रहे, तो ग्रुप नहीं बनेंगे। ग्रुप बनाने के लिए चारों एग्जाम्स होने चाहिए। मैं आप सबको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखिए वो 1 मिनट का टाइम आप कॉपी करने में ख़राब नहीं करेंगे, मतलब आपको ये याद करना है। ये जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी, और जो ऑफलाइन बैठे हैं वो लोग भी, आपको अच्छे से पता है 1 मिनट का टाइम क्या करने के लिए दिया गया। जल्दी से डेफिनेशन याद कर लीजिए, अब छप जाना चाहिए। और स्पेशली वो लोग जिनको नींद आ रही थी बड़ी, सारी नींद उड़ जाएगी अभी तुम्हारी। ट्रीटमेंट लर्न करो। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आस्था, हर्षित, ऋतिक, सक्षम, सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? आवाज़ नहीं आ रही तुम लोगों की? आप अपना काम करो, 1 मिनट का समय दिया। यस लेट मी रिपीट ऑल ऑफ यू, क्लोजर स्टैंड्स फॉर क्लोजनेस, बंद है वो, उसके बाहर नहीं जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स ग्रुप में हैं, जी में हैं, तो उनका जो क्लोजर है या जो ऑपरेशन आपने लगाया स्टार भी, वो भी जी में होना चाहिए। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, क्या कर सकते हैं उससे पहले ये जान लीजिए क्या नहीं कर सकते। आप ग्रुप थ्योरी में कभी भी राइटिंग पोजिशन चेंज नहीं करेंगे, वो एक महा अपराध है। समझ में आ गया? यू कैन हैव ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, डी, बस वो ऑर्डर मेंटेन करना है। ए बी कम्बाइन कीजिए, बी सी कम्बाइन कीजिए, सी डी कम्बाइन, दैट इज़ फाइन, वो सब ठीक है, राइटिंग पोजिशन नहीं चेंज होगा। वॉट इज़ आइडेंटिटी सर? ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी ई ई से डिनोट किया जाता है। जैसे 12th क्लास में मैट्रिक्स में आइडेंटिटी कैपिटल आई होता था, ऐसे ग्रुप थ्योरी में जब तक आप थ्योरी पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी ई होगा। और लास्टली इनवर्स, अगर आपको स्टेटमेंट वैसे भी याद नहीं है तो 12th क्लास का मैट्रिक्स से आप रिलेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स अलॉन्ग विद इट्स इनवर्स गिव्स आइडेंटिटी। यहाँ ए अलॉन्ग विद ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, दैट इज ई। क्लियर हो गया आप लोगों को? हेलो ऑनलाइन चैंपियंस, आवाज़ नहीं आ रही यार आप लोग, मतलब माइक तो ऑन दिख रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। चलिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हो गया होगा। देखो भाई नेक्स्ट चैलेंज जो आप लोगों को लेना है, अभी आप लोगों ने ग्रुप याद किया कि क्या होता है। कोई भी सेट लीजिए नॉन एम्प्टी, उसके साथ ऑपरेशन कंबाइन कीजिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अब स्टार ले लेके सारा काम नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सो मैनी थिंग्स यू हैव, सो मैनी थिंग्स। देखिए कभी कभी तो ऑपरेशन स्पेसिफाई कर ही देते हैं। नहीं सभी महानुभाव जरा सामने आ जाए, ये तो जनरल हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये भी पर्टिकुलर हो गया। ऑपरेशन प्लस है, दैट मींस इसको एडिटिव ग्रुप ग्रुप बोला जाएगा। ये क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। चेंजेस देखिएगा जरा ध्यान से, किसी ने गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जनरल ग्रुप हो गया, ये एडिटिव ग्रुप हो गया, दिस इज एडिटिव ग्रुप। ये क्या है माय डियर? हाँ जी, अगर मैं क्लोजर के बारे में बात करूं तो यहाँ क्लोजर था ए बी, देन ए स्टार बी। यहाँ का क्लोजर क्या होगा बेटा जी? ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ का क्लोजर क्या होगा मैडम? ए डॉट बी। क्लोजर इज फाइन, एसोसिएटिव लॉ, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार। वाह बहुत बढ़िया, आपको बोलना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, दैट ओके?
लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीजें क्लियर है। हेलो, आज तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई। सबका माइक ऑन है बट आवाज किसी की नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। नेक्स्ट। यस, अब जो बाकी बची हुई दो एग्जाम्स हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। पीसी यही डिटरमाइन करेगा तुम आगे क्या गोल खिलाओगे। सर एक बार देखना है, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। वो बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं लेकिन आवाज़, मैं मतलब पूछ रहा हूँ ना, माइक ऑन कर रहे हैं बट आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। क्या हो गया? एक सेकेंड दो। हेलो, देखो माइक ऑन है, देखो उनका, लेकिन आवाज़ नहीं हो रही अभी। मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ ना तो रिप्लाई कर रहे हैं, हमारे तक तो आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। नहीं 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 कोई बात नहीं भैया, इतना ठहर जाइए अभी। ये ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत डेफिनेशन तो फिर भी आपने कॉलेज में किया ही हुआ था। चलिए देखिए, मैं दे दूंगा टाइम, दे देंगे यार, ऐसे आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। डोंट वरी ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इसमें 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 भैया आगे वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एवरीवन, सभी बच्चे कमर कस के तैयार हो जाएं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी क्या होगा? हाँ जी, अब बोलिए कुछ आप लोग ऑनलाइन। अभी भी आवाज़ नहीं आएगी? आस्था, हर्षित, लहसुन आ गई आवाज़। क्या हो गया, क्या हो गया था? अच्छा, वहाँ से बंद थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या बंद होता है भैया ऑनलाइन, भगवान जाने। ये स्टूडेंट्स आ रही आप, आवाज? हाँ जी आ रही आ रही। ये आप लोगों को, आप सब बच्चों को समझ में आ गया ग्रुप क्या होता है? अब थोड़ा और यस सर धीरे धीरे चल रहे हैं, बिकॉज मैं इतनी इतनी स्लो नहीं चलता वैसे, बट आप लोग पहली पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। एक एक पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आइडेंटिटी ई, यहाँ आपको ई और ई नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ ऑपरेशन स्पेसिफाई हो गया है। ज़रा आइए यहाँ का आइडेंटिटी ढूंढते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ई इज़ द आइडेंटिटी। तो ये काम क्या करता है, ए स्टार ई ए बनाता है। बेटा इस ग्रुप का स्टार क्या है? प्लस। तो ए में कितना ऐड करोगे कि वापस ए? फाइव में कितना ऐड करेंगे कि फाइव मिले? बोलो। जीरो थैंक यू वेरी मच। जीरो एडिटिव ग्रुप चाहे कहीं भी हो, हमेशा आइडेंटिटी जीरो होगा, ध्यान रखना। रुक जाइए, कॉपी नहीं कीजिए, इधर आइए। ए स्टार ये शुड बी आइडेंटिटी ए, दैट मीन्स ए में मल्टीप्लाई करने और ए लेके आना। फाइव में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? फाइव ही आए वापस, वन। आइडेंटिटी इज वन। जस्ट वेट वन वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ तो झंडे गाड़ दिए आप लोगों ने, आगे देखेंगे। इनवर्स ऑफ इट, इनवर्स ऑफ इट, इनवर्स ऑफ इट। भाई कुछ नहीं बोला है तो ए पावर माइनस वन। अच्छा यहाँ देखिए, यस ए स्टार ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी होना चाहिए। माई डियर, इस सेट का आइडेंटिटी कितना है? जीरो। इस सेट का स्टार कितना है? प्लस। हाँ जी, फाइव में ऐड करिए और जीरो लेके आइए, बताइए। माइनस, माइनस। धन आप सभी का धन्यवाद। यहाँ आ जाइए जरा। ए स्टार ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इसका वन है और ये आपका ए मल्टीप्लाइड बाई फाइव में कितना मल्टीप्लाई करोगे? वन बाय, वन बाय। थैंक यू वेरी मच भैया। हाँ जी, आप सभी लोग रुक जाइए। देखिए जो मतलब जितना समय हमने क्लोजर और एसोसिएटिव को नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा टाइम, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दिया है। क्यों दिया है? रीजनिंग ज़रा साथ दो एवरीवन, सभी बच्चे साथ देंगे। छोटी सी चीज़, सॉरी। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू स्टार, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तैयार हो जाइए। कुछ नहीं बोला तो ये ई है और ये ए इनवर्स। जी, प्लस में जीरो होगा हमेशा और ये आपका इनवर्स हो जाएगा माइनस है। माइनस ये वन होगा और ये वन बाय है, हम सबको पता है ये। इसके लिए तो एक और नॉन जीरो होना चाहिए तभी जाके काम करेगा। अब आप कॉपी नहीं करिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा जब समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, 90% बल्कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर एक बार आपने इनवर्स ऑफ ए लिख दिया तो ए इनवर्स का मतलब वन बाय ए ही निकलता है यहाँ। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल वन बाय ए निकलता है। इधर यहाँ यहाँ उधर, व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए? इज इट वन बाय? नो इट इज़ नॉट।
इट इज ब्यूटी ऑफ द ऑपरेशन. डू नॉट थिंक कि इनवर्स ऑफ ए हमेशा वन बाय एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल मेट्रिक्स का इनवर्स, कैपिटल ए इनवर्स मेट्रिक्स का, क्या वो वन बाय मेट्रिक्स होता है? यस और नो? फिर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑपरेशन. दिमाग में रख लो, ए इनवर्स नीड नॉट मीन वन बाय ए, ध्यान रखिए. ओके, एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दिया गया है, प्लस में और डॉट में. जी, एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1, और एडिटिव में इनवर्स माइनस ए, माइनस ही लेना नेगेटिव, एंड मल्टीप्लिकेशन में ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में वन बाय मैट्रिक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ और ही होगा, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑपरेशन. भाई ये चार्ट आपको समझ में आ गया? हेलो, यस सर, ये तो कॉलेज में शुरू हो गया होगा ना? यस कॉलेज में शुरू नहीं हुआ सर, आप लोगों को? और बहुत सर खत्म भी हो गया, खत्म भी हो गया. ओके, तीन चार चैप्टर हो गए सर। कोई बात नहीं, ये आपको ऐसे कराया जाएगा कि आप बरसों बरस याद रखेंगे. हाँ जी, बिल्कुल 100% कह रहा हूँ मैं, ऐसे कराया जाएगा कि आप बरसों बरस याद रखेंगे. आइए सर, अभी आप लोगों को एडिटिव ग्रुप बताया गया है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताया गया है. इसके पहले कि आप लोग डेफिनेशन कॉपी करें, ये ऑनलाइन ऑफलाइन आप सबको डेफिनेशन क्लियर है? चार एग्जाम्स थी, चार एग्जाम्स थी, मोटा मोटा सबको याद है. क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, सर फाइन. और अभी जो चार्ट बनवाया है वो भी आपने देख ही लिया. आप मत बनाओ, आप लोग देखो जरा. ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग समथिंग. यस ऋतिक, आर यू देयर? एडिटिव एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होता है, देख के बता दो आपने. जीरो. एडिटिव ग्रुप में इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? नहीं अच्छा. नहीं 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 ऐसे, अरे ऐसे नहीं पढ़ना है, कहाँ घूम रहे हैं नहीं मेरी क्लास. मतलब मैं आपको बोल, देखिए नहीं बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं कह रहा, अगर आप लोग ऑफलाइन में होते ना, नींद क्या सब कुछ गायब हो जाता अगर यहाँ आते तो. कोई बात नहीं, ये चार्ट बनाओ अपन. ऑल ऑफ यू, ऐसे नॉवल की तरह मत पढ़िए यार, ये दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ एवरीथिंग. इसी पेपर से आपका सब कुछ बनेगा. चार्ट बनेगी खाली, सर्कल्स नहीं बनाने. मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे पूरा घर बनेगा आपका. वो मटेरियल ही आप खराब ले लेंगे फिर. रेडी फॉर नेक्स्ट? बन गया चार्ट? भैया मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अभी तो तुम ऑर्डर सुनोगे नहीं, अभी तो आप मनी सर की बात ही सुनते हैं, हमारी तो बात ही कहाँ सुनते हैं. याद कर लीजिए फटाफट, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अगर इतना मिनिमम भी नहीं आता आपको तो. जल्दी से याद कर लो. और ये पहला पेज, जो पहला पेज लिखने के लिए तड़प रहे हैं, अरे मत तड़पो यार, चार ही तो एग्जाम्स हैं, क्या परेशानी है आपके लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? डांट सुन सुन के पढ़ने का मज़ा ही अलग है. आर यू रेडी टू गो फॉरवर्ड? यस यहाँ आ जाओ, सर, सबके सब स्टूडेंट्स यहाँ आ जाओ. एडिटिव ग्रुप में क्या होता है, दैट शुड बी क्लियर. मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर. अब एक छोटा सा मीठा सा क्वेश्चन, बच्चों को तो मिठाई वैसे भी बहुत पसंद होती है, सोच तो समझ के जवाब दीजिएगा. चलिए बताइए, ऐसे बता दीजिए, कुछ लिखना नहीं है. ये जो क्वेश्चन पूछा है बेटा, ऐसे मत बिहेव करो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या पूछ रहे हैं सर आप. मैं सिर्फ सिंपली ये पूछ रहा हूँ, इसको जी मानेंगे, जी के साथ प्लस डालेंगे तो ये एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? अभी जितना आपके आपके पीछे टाइम लगाया गया है, सब आपको इधर दिखाना है कि हाँ भाई कुछ फ़ायदा हुआ. व्हाट इज फर्स्ट एग्जाम?
क्या होता है पहला एग्जाम? क्लोजर। ऑपरेशन क्या है? एवरीवन, सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे। ए को ले लीजिए 1 पहले वाले में, बी को ले लीजिए 2। व्हाट इज ए प्लस बी? व्हाट इज ए प्लस बी? 3 तो उसमें है ही नहीं, 3 तो उसमें है ही नहीं, नहीं बनेगा। हाँ जी, नहीं बनेगा ग्रुप। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको दिख रहा है क्लोजर नहीं है, लेकिन वो क्लोजर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। जरा साथ आ जाइए, ऐसे नहीं काम होता ना यार। क्या सिलेबस ही खत्म करते रहोगे? सिलेबस जरूरी है, थोड़ा ऐसे पढ़ लीजिए ना कि क्वेश्चन ट्विस्ट ट्विस्ट हो जाए तो आप कर सकें। G1 क्या इसमें क्लोजर है? इट कैन, यस। कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड करके जो आंसर आएगा इसी में है। बोलो बेटा, एसोसिएटिव ला छोड़िए, वो हो जाएगा। थर्ड एग्जाम होता है आइडेंटिटी। एडिटिव ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है? स्पीक अप। जीरो 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 इज देयर। एडिटिव ग्रुप में इनवर्स के अभी याद करवाया। माइनस तो है ही नहीं इसमें, माइनस तो है तो नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया जी? तो बहुत से एग्जांपल था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ हाँ, ठहर जाओ ठहर जाओ। आपको दिख गया एक ही इनवर्स से परेशानी है, अब हो जाएगा। देखो मना तो करना मत, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बताइए। यस, क्लोजर 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 क्लोजर। सेकेंड एग्जाम है, थर्ड एग्जाम एडिटिव आइडेंटिटी है, फोर्थ एग्जाम सबका इनवर्स भी। ओहो, ये तो बात 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 में ही बात बन गई। क्या ये जेड नहीं है? है या नहीं है? बात बात में ही बात बन गई, देख लीजिए। अभी आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि जेड प्लस अपने ग्रुप है, ये कैसे लिखना है। आई विल टेल यू, कोई बात नहीं, दिख गया लेकिन हमें कि जेड प्लस ग्रुप। पहला नंबर सिस्टम पे या हाथ आजमाया जाए? आइए, एन नेचुरल नंबर लिया आपने, 1 2 3 डॉट 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 विद रिस्पेक्ट टू प्लस। देखिए क्लोजर है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं है और इनवर्स भी नहीं है, तो एन प्लस को तो भूल ही जाओ ग्रुप थ्योरी। हेलो, आर यू लिसनिंग? आपका प्यारा साथी एन प्लस, जिसने आपको यंग बनाया, वाइब्रेंट बनाया। अब कोई बात, जेड पे अभी जेड आपने देख लिया, जेड प्लस बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो बेटा जी, डेफिनेटली बनेगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, आपको करके दिखाया तो अभी जेड प्लस। क्या यार, तुमने दिल ही तोड़ दिया मेरा, इतनी मेहनत से समझाया, क्या हाल कर रहे हो तुम। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको, अभी करके बताया था कि जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस, दिस इज नॉट जेड प्लस। Z प्लस थोड़ा ना लिखा है, Z विद रिस्पेक्ट टू प्लस लिखा, ठीक है? अच्छा, इसमें ऑल इंटीजर्स। हाँ हाँ, ऑल इंटीजर्स है। Q प्लस में चार एग्जाम्स बच्चों की तरह तो कर ही सकते हैं, प्रेजेंट कैसे करना है वो बात की बात है। अरे पहले प्रवेश तो कर लो घर में, फिर सब कुछ, खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, क्लोजर क्या दो, यस ऑल ऑफ यू, क्या दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे रैशनल नहीं आता है? आंसर दो। G2 हो जाएगा, G3। क्या इसके पास जीरो है? जीरो रैशनल नंबर होता है? पता नहीं सर, नहीं पता तो चले जाइए फिर यहाँ से। हाँ जी, G4 हर एलिमेंट का नेगेटिव है इसके पास। 2/3 का नेगेटिव क्या होगा? हाँ जी, 2/3 रैशनल है, तो क्या -2/3 रैशनल नहीं है? डेफिनेटली। क्या इशू है फिर? नंबर सिस्टम, ये सबके सब प्लस में ग्रुप है। हाँ याद रखिएगा, जेड प्लस में, क्यू प्लस में, आर प्लस में, सी प्लस में, ये मुफ्त का सामान है जो दिखता ही नहीं बच्चों को। आज दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा? जेड प्लस इज अ ग्रुप। अभी भी कुछ लोगों की नींद नहीं खुली है, ठहर जाओ। तो क्यू प्लस इज अ ग्रुप, आर प्लस इज अ ग्रुप, सी प्लस इज अ ग्रुप। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू एग्जामिन करिए, रफ में कर लीजिए, कोई बात नहीं, फटाफट कीजिए, मुझे आंसर चाहिए। डांट सुनोगे भी सबके सब, बिना एग्जामिन किए बोलना ठीक नहीं है। इंटीजर्स है या इवन इंटीजर्स है? इवन इंटीजर्स। तो जी इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं 2k,
हाँ 2 4 6 8 लिखने वाले थे। कोई 0 to 4 6 8 बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लस माइनस आएगा ना। हाँ जी, क्लोजर कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा के ऐड कर लेंगे, इवन प्लस इवन इवन ही होता है, एसोसिएटिव हो जाएगा, आइडेंटिटी जीरो है इसके पास, और हर एलिमेंट का नेगेटिव भी है। भाई क्लियर हो गया? मैं फिर वही कहूँगा, प्रेजेंट कैसे करेंगे? आ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, रहने का सामान सब हो जाएगा, डोंट वरी। ये बताइए ज़रा, जी डैश ले लेते, 2k+1, 0 तो आएगा नहीं इसमें, लोग हो गए सत्यानाश। अरे भाई सुनो सुनो, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपने कभी ढंग से पढ़ना ही नहीं है, मेरे मेरे से नहीं छूटोगे बेटा, मेरे को आपको बरसों बरस पढ़ाना है, मैं पहले भी बोला था, मेरे से नहीं बच पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। G1 क्लोजर, जरा 1 और 3 को कंबाइन करके बताइए, 1 ऑड है, 3 ऑड है, लेकिन सम तो ऑड नहीं है, गया ये, फिर भी ठीक है। G3, G3, G3 यानी थर्ड एक्सियम ऑफ ग्रुप, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, हर एलिमेंट का इनवर्स है, लेकिन भाई वो आपसे, हाँ आपसे कह सकते हैं, ये ग्रुप कहाँ बनाएगा, ग्रुप चारों एग्जाम नहीं बना रहा, आपसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 रीजंस बताइए कि जिसके लिए सेट ऑफ ऑल इवन, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स ग्रुप ना बन पाए, 2 रीजंस, एक क्लोजर नहीं है, आइडेंटिटी है, तो क्लैरिटी शुड बी देयर एटलीस्ट। भाई सबको क्लियर हो गया? हेलो, प्रेजेंटेशन में अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, पहले ओके। ये बताइए, एक मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम दिया आप सबको, कॉपी निकालो, एग्जामिन करो, ज़्यादा ऊपर ऊपर से कैलकुलेट करने के चक्कर में ना रहे, तीनों चारों एग्जाम्स फटाफट कर लीजिए, ये छोटी सी मीठी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं, दो दो चार बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ वही, आप ये देखो, ऑल ऑफ यू, ओके ओके, आप लोग ये देखिए कि अब आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी आपके सामने लिखा जाता है इट्स वर्किंग, एंड अगर आपने कॉलेज में, देखिए मैं किसी का, आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी, बट क्या सिचुएशन थी पहले, कि ग्रुप पूरा ख़त्म भी हो गया, कई कॉलेजेस में शुरू हो गए, कुछ सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अब कुछ भी आपके सामने लिखा जाएगा, एटलीस्ट यू कैन वर्क इट आउट कि हाँ सच में कुछ होगा या नहीं होगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स, इस 30 मिनट्स की क्लास का ये हासिल है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आइए ज़रा कराते हैं आपको, ये ग्रुप है नहीं, आँखें खोलने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डर मत जाना, आप तो वैसे ही बहादुर हैं। आइए देखिए ज़रा ध्यान से, भाई देखने में तो लग ही रहा है, देखने में लग रहा है तो शायद सच में हो भी जाए। हाँ हाँ सुनो, अभी सुनो सुनो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स, एसोसिएटिव पर ध्यान नहीं दे रहे हम। G3, व्हाट इज G3? थर्ड एक्सियम, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ये कंटेंट कर रहा है। G4, हर एलिमेंट का जीरो का नेगेटिव जीरो, वन का नेगेटिव -1, -1 का नेगेटिव 1, ये भी हो गया। हाँ जी, लेकिन इसके पास G1 नहीं है, क्या आप बात कर रहे हैं सर, शाम को तो ऐसी बातें होती हैं, इसके पास क्लोजर नहीं है, इसके पास क्लोजर नहीं है, जस्ट वेट 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 वेट, व्हाट इज क्लोजर? लीव लीव दिस, छोड़िए उसको, क्लोजर क्या कहते हैं, अगर ए और बी जी में है, अगर ए और बी जी में है तो ए स्टार भी जी में होना चाहिए, इज दैट ओके? इज यस सर, दैट ओके? यस सर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यस सर, प्रैक्टिकली बात करते हैं। देखिए
ये सब तो ठीक है, ए बी, ए और बी को कंबाइन करना, बट ए और बी की जगह ए और ए को कंबाइन करिए, ए और ए, मतलब आप समझे नहीं भाई, समझना तो पड़ेगा ना, आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे। ये भी क्लोजर ही है, क्लोजर ही है। आपको ये थोड़ी ना बोला है क्लोजर में कि ए और बी डिस्टिंक्ट ही लेने हैं, वो देखने में लगते हैं अलग अलग, बट ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं आफ्टर ऑल। जब तक ए और बी बराबर नहीं होंगे तब तक आपके पास डिफरेंट पावर्स ऑफ ए कहाँ आएंगे, डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ ए कहाँ से आएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आप ए और बी को सेम भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसदुल्ला रे बेटा, ए को वन लो, बी को वन लो, और थोड़ा आंखें मसल मसल के देखिए कि क्या हुआ। तो बैंड ही बच गया ना बैंड। तो जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, तो खाली सुना करते थे, आज देख भी ली। आप लोगों को लग रहा है हो गया सब कुछ, बट व्हाट इज ए प्लस बी, पी का समझ में आ गया इसको, अब अच्छे से लिख लेना सब कुछ सारी चीजें। हाँ जी, ये 30 मिनट्स की क्लास में मैंने कुछ नहीं प्रेजेंट करना है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन तो अभी क्लास एंड होने वाली है, बस मैं ये प्रेजेंट करके दे दूंगा, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्लास में वी शैल बी डूइंग प्रोसीजर, की कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज आपने सिर्फ यहाँ से वर्क किया है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, अब कुछ भी आपको दिया जाएगा, कुछ भी, कुछ तो निकाल ही लोगे। चार एग्जाम्स भले ही ना हो पाए, दो हो जाएंगी, तीसरे में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं होगी, सर के साथ कर लीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, अभी क्लास एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना है, दोबारा ज्वाइन करना है आपको। चल हाँ, चले मत जाना अभी। आप लोग कुछ लिखना है सर? दोबारा करो, दोबारा करो, अगली क्लास अभी होगी भाई, इतने दूर से आए हो। वो तो कराऊंगा ना अभी, वही हमारी तो अगली वही है। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, हो गया? हाँ जी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप सब। सेम ही है, हमने देखा, मैं कभी क्लास के बीच में कॉल उठाता हूँ, घर से आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ उठा लीजिए, उठा लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। यस, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले या लास्ट क्लास में ग्रुप समझाया गया था, और अपने आत्मसात कर लिया डेफिनेशन को, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि कोई आपको जी दिया है, कोई ऑपरेशन दिया है, तो आप उसको कैसे भी करके निकाल लेंगे कि चारों एग्जाम्स उसमें ट्रू हो रही है, नहीं हो रही। अब आती है बात प्रेजेंट करने की, कि कोई चीज़, कोई सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। ज़रा देखिए जेड प्लस में, आप लोग साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में तो कुछ लिख नहीं पाए, अब लिख सकते हो। देखो, जेड प्लस इज अ ग्रुप आपको शो करना है। सॉल्यूशन, एक्सियम नंबर वन, क्लोजर। क्लियरली, ए बी बिलोंग्स टू जेड, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। उसके लिए भी रीजन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, इज अगेन एन इंटीजर। क्लोजर हो गया। जी टू एसोसिएटिव लॉ, अब जैसे हमने प्रैक्टिकली एग्जामिन किया था, हम इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहते, जरूरत भी नहीं है, हो जाएगा आराम से। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, साथ साथ चलाइए, आप वैसे भी तड़प रहे हैं करने के लिए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस। नंबर थ्री, आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कह लीजिएगा, यानी देयर एग्जिस्ट ई इक्वल टू जीरो, बल्कि जीरो बिलोंग्स टू दैट, सच दैट
ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग। नंबर फोर इनवर्स, क्लियरली बेटा जी अगर ए जेड में है तो माइनस ए भी जेड में ही हो, बाहर थोड़ा ना जाएगा। तो मैं रीजन दे देता हूँ, नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर एस ऑल्सो एन इंटीजर। ये एक क्वेश्चन करते ही जरा एक सेकंड के लिए आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान लगाएंगे, लिखेंगे नहीं। ये एक एक जो चार एग्जाम्स का प्रूफ दिया गया आपको बेटा, क्या यही आपका z प्लस की जगह अगर q प्लस में यहाँ क्या लिखते हैं द सम ऑफ टू। थैंक यू। और सुनो कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे उसमें लिखते हैं रैशनल के लिए, देर एग्जिस्ट जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन फॉर्मेट होना चाहिए ना, सेट जिस सेट में जा रहे हो सेट की तरह एलिमेंट दिखने चाहिए। यहाँ नेगेटिव ऑफ रैशनल इज रैशनल, तो यू नो चेंजेस दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल यही वाला काम क्या आर प्लस में भी हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। रेड वाला रेड में बता रहे हैं आपको, जी क्या लिखेंगे यहाँ पे रेड में बोलो बेटा, रियल एंड यू नो व्हाट। तो एक क्वेश्चन करते ही आपके चार क्वेश्चन हो गए, सर हमें तो तीन ही देख रहे हैं। सी प्लस आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रही है? करिए करिए लिखिए, इसको तो नहीं छोड़ें, अच्छे से लिखिए। आपको क्या करना है, हाफ पेज या 10 लाइंस में ये हो जाएगा या 5 में मे बी, फिर अगली 5-10 लाइंस देन अगली 5-10 लाइंस, वो तीन चार क्वेश्चन के लिए। तो आपके पहली प्रॉब्लम ये थी जेड प्लस को ग्रुप शो करना, अगले प्रॉब्लम है क्यू प्लस को ग्रुप शो करना, यू हैव टू प्रेजेंट प्रॉपरली, आर प्लस को ग्रुप शो करना और सी प्लस को ग्रुप शो करना। जी पहले वाले में तो जीरो आपने सिंपली लिख दिया बेटा जी, जरा यहाँ ध्यान लगाओ इसका जीरो जीरो की तरह दिखना चाहिए, रियल का जीरो तो फिर भी चल जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू आर ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स का जीरो शुड लुक लाइक कॉम्प्लेक्स का जीरो। बेटा जी बात समझ में आ गई, यू शुड रिस्पेक्ट द सेट प्लीज। ये एक क्वेश्चन के लिए भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हर बार आपके सामने नंबर्स थोड़े ना होंगे, अभी तो मैट्रिसेस भी आएगा, फंक्शंस का सेट भी आएगा, फिर ऑपरेशन अलग मॉड्यूलो भी आएगा, अभी तो ये तो शुरुआत है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस का क्या होता है, बस उतना ही होता है इंटीग्रेशन, या और भी फंक्शंस का होता है? नहीं और भी फंक्शंस का होता है ना, फिर तो बिगिनिंग है खाली, साइन कॉस है तो खाली। रेडी फॉर नेक्स्ट, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से प्रेजेंट करना, और उसमें कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आएंगे मैं बता रहा हूँ, इधर स्टेटमेंट में चेंज आएगा, इधर चेंज आएगा एंड सो ऑन। रेडी फॉर नेक्स्ट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन
जी, अब नोटेशन मैंने बताया नहीं है, लेकिन सिंबल ही बता रहे हैं कि क्या है। टू क्रॉस टू रियल मेट्रिसेस या टू क्रॉस टू मेट्रिसेस जिनकी एंट्रीज रियल है, चिंता वाली कोई बात ही नहीं। तो ये जी हो गया आपका प्लस में। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? आराम से प्रेजेंट हो जाएगा। तो साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। पहला एग्जाम क्लोजर क्लियरली, अगर ए और बी इसमें है आपके एम टू क्रॉस टू में आर में, देन दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी वो भी आपका एम टू क्रॉस टू आर में होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, यू शुड राइट द राइट रीजन। हाँ सही सुना आपने, यू मस्ट राइट द राइट रीजन। अगर ए टू क्रॉस टू है, बी टू क्रॉस टू है, तो ए प्लस बी भी टू क्रॉस टू ही होता है ना। एक सिंपल सी लाइन लिखनी है आपको, सिंस द सम ऑफ टू क्रॉस टू मेट्रिक्स इज अगेन टू क्रॉस, दैट्स इट। और क्या करना, आराम से लिख लेंगे या लिखूँ? लिख लोगे ना प्रॉपरली, यू शुड प्रेजेंट। ऐसे जी टू एसोसिएटिव लो, वहाँ लिख देना डू योर सेल्फ, तो मार्क्स में भी आएगा लो योर सेल्फ, लो मार्क्स। एसोसिएटिव लो क्लियरली, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस। हाँ जी थर्ड, हाँ जी थैंक यू। थर्ड एक्सियम द आइडेंटिटी, ओहो 12th क्लास का आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल नॉट वर्क हियर, विल नॉट वर्क हियर, विल नॉट वर्क हियर। व्हाई? बिकॉज आप सबको पता है एडिटिव, एडिटिव जरा वो छोटे से चार्ट जो बनाया था याद करो। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। यहाँ जीरो मैट्रिक्स लेना है, गड़बड़ मत कराना। क्लियर हो गया? देख लीजिए आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट द सेट। जीरो कैपिटल जीरो इक्वल टू जीरो 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 जीरो, या अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है बता दो क्या है। कैपिटल ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए, क्लियर हो गया जी। लास्ट जी फोर इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। हाँ हाँ जी, जरा इधर पिक्चर देखिए आप सब लोग, नई नई फिल्म है। एवरीवन भाई, ए लिया आपने, ए बी सी डी, ए बी सी डी, व्हाट इज माइनस ए? अगर ए, अगर ए बी सी डी रियल्स हैं तो उनके नेगेटिव भी रियल्स हैं। ये टू क्रॉस टू है तो ये भी टू क्रॉस टू काम करते हैं। यू हैव टू राइट इनवर्स क्लियरली। ए इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंग्स टू एम टू क्रॉस टू आर, दिस इम्प्लाइज माइनस ए इक्वल्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ऑल्सो बिलोंग्स टू एम टू क्रॉस टू आर। सो विद ऑल दीज थिंग्स आपको एंड में लिख देना है, देयरफॉर दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्लास। क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन? हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसमें भी वेरिएशन बता देते हैं। अब इसमें क्या वेरिएशन सर? इसमें भी वेरिएशन है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ एम टू क्रॉस टू आर की जगह दे देते हैं आपको एम टू क्रॉस टू जेड सपोज, तो वो भी हो ही जाएगा। इंटीजर्स का सम भी तो इंटीजर ही आएगा, और नेगेटिव ऑफ इंटीजर भी इंटीजर ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ये कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, क्या इशू है? उसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी वही 0 0 0 3/2 लेंगे, इज दैट ओके? नेगेटिव ऑफ ए 3/2 इज अगेन 3/2। अरे भैया कुछ समझ रहे हो? दो थ्री बाय टू 3/2 मैट्रिसेस को ऐड करने पे भी 3/2 मैट्रिक्स ही बनता है। तो यू शुड बी क्लियर इनफ। क्लैरिटी आई कुछ? क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे करना है? हाँ बोल के खुश कर दो जल्दी से, लिखो। एक ही बच्चे ने हाँ बोला, बाकी सब तो लगता है दुखी करके जाएंगे। यस यू पीपल, करी करी लिख लीजिए।
लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट. हो गया ग्रेट. हो गया तो यहाँ वाले तो बैठे हुए हैं अभी. कर लेना बाद में, कोई बात नहीं, वीडियो से कर लीजिए. तो बहुत कुछ करना है आपको. आगे देखिए भाई, आप सभी लोग, एवरीवन, यस स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स पे काम किया, थोड़ा सा मेट्रिसेस पे काम किया, अब काम तमाम करने का टाइम आने वाला है. सही सुना आप लोगों ने. आपको एडिटिव ग्रुप बताया गया था, आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताया गया था. अभी मल्टीप्लिकेशन में काम करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स के लिए 1/a दिख रहा था आपको. दिख रहा था 1/a? डेफिनेटली दिख रहा था. 1/a कब डिफाइंड होगा? जब a नॉन जीरो होगा. तो लेट मी टॉक अबाउट नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगी, या इसी पे बात करते हैं. लेकिन ग्रुप होने के लिए चौथा एग्जिम कहता है, फोर्थ एग्जिम, कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए. ये नहीं कि 50% एलिमेंट्स का इन्वर्स है, 50% का नहीं, और आप खुश हो रहे हैं. जब तक हर एक एलिमेंट का इन्वर्स नहीं आएगा, तब तक ग्रुप नहीं हो सकता. ओके. अगर इस पे बात किया जाए तो जेड प्लस हो गया, जेड डॉट पे बात कर रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई, जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जामिन कर लेते हैं. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इंटीजर ही बनेगा. तो ये तो हो गया, ये भी हो जाएगी. G3 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, वो भी है इसके पास, बिल्कुल है. G4 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस किस का नहीं है? साथ है, देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. ध्यान दीजिए इधर, मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. इसका नहीं है. जीरो का तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है. वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, माइनस वन का भी है. वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वन आएगा? खुद से. माइनस वन को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन आएगा? माइनस वन से. लेकिन टू का, टू के लिए नहीं है ना. टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके? वन आते, 1/2 नहीं है इधर. आप समझ गए मेरी बात? हेलो. तो ये ग्रुप नहीं बन पाएगा. मतलब आपको फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए. ये तुरंत करके देख लिया, प्रेजेंटेशन तो बात की बात है. अच्छा, तो आपको एक तो जीरो से तो परेशानी है ही. वो तो जीरो का तो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स आउट ऑफ क्वेश्चन है. बट यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हैं जिनका इनवर्स नहीं है. क्या ये बन पाएगा? थोड़ा जल्दी से बता दो. नो प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन. टू का इनवर्स नहीं है, थ्री का नहीं है, फोर का नहीं है. क्लियर हो गया? ओके. अभी हम नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं. इधर आ जाइए. जेड के साथ जेड तो मतलब अगर इनवर्स ही है तो नॉन जीरो पे बात कीजिए. जेड माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वर्किंग. यू नो कौन परेशान कर रहा है इसको? फोर्थ एग्जाम परेशान कर रहा है. तो लेट अस सी क्यू माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन काम कर. अरे रैशनल नंबर तो होते ही पी बाई क्यू है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा. मिलेगा? हेलो, मिलेगा या नहीं? What about R minus 0? What about C minus 0? अरे C दादा है भाई, C नहीं रुकेगा कभी भी. C तो सब कुछ है, सब कुछ है. C को मत वो करके देखिए जरा इसको कैसे प्रेजेंट करना है. एवरीवन, आई ऑन द बोर्ड. प्रेजेंट करने से पहले ये हमें पता लगा अभी कि मल्टीप्लिकेशन में भी काम हो सकता है. नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो एक नोटेशन है जो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बना रहे हैं. भाई ये नोटेशन देखिए, अगर एक कोई भी सेट है नंबर थ्योरी में, ये नोटेशन लिया जाता है. तो ए स्टार, अब वो भी छोड़ दीजिए, क्यू स्टार नोटेशन आपकी बुक में भी है और आगे भी पढ़ेंगे. आर स्टार पावर में है स्टार. सी स्टार, हाँ जी, क्यू स्टार स्टैंड्स फॉर क्यू माइनस जीरो. हेलो, आर यू लिसनिंग? नॉन जीरो रैशनल्स, नॉन जीरो रियल्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स. तो अभी जरा इस पे बात करते हैं. ये एग्जाम में आपको क्यू स्टार लिख के नहीं देंगे, आपको पता होना चाहिए. नहीं पता तो जाके उनसे पूछो जो वहां चेकिंग करने आए हैं.
आई होप आप लोग तैयार हैं बैंड बजवाने के लिए। आ जाइए, पहला एग्जाम क्लोजर क्लियरली। इम्प्लाइज रीजन यू शुड राइट द राइट रीजन एट द राइट प्लेस द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल्स। बोलो बोलो, 2/3 को 5/7 से मल्टीप्लाई करिए, जीरो तो नहीं बनेगा, रैशनल ही बनेगा और नॉन जीरो। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल्स इज अगेन। नेक्स्ट G2 एसोसिएटिव लॉ, A.B.C इक्वल्स A.B.C, ये भी हो गया। G3 व्हाट इज G3? मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है? ये ऐसे क्यों लिखा? वो मेरी मर्जी भाई, मेरी क्लास है, मैं कुछ भी लिखूं। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। रैशनल नंबर शुड लुक लाइक अ रैशनल नंबर भी है, प्योर रैशनल दिखना चाहिए। हाँ जी, फोर्थ एग्जाम that is okay, then iska inverse bataiye, ye bhi q star ke member ho। Hindi aap sabko baat samajh mein aa gayi? Is ek question mein 3 question chupe hue hain, kaun se 3? Don't ask me, डांट सुनोगे। हाँ जी, क्यू स्टार डॉट में देखा, इसको कहते हैं एक्सीलेंस। क्लास का क्या असर हुआ आज आप लोगों के ऊपर, समझ में आ गया? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कर लो सब सही। G3 में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाई, इतना डांट सुनने के बाद भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, शाबाश। अब थोड़ी तारीफ तो कर दो, कैसी रही क्लास? हाउ वाज द क्लास? थैंक यू, थैंक यू। बहुत लंबा सफर है अभी।